ये सीधे रायपुर का रुख करेंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद मोहम्मद अकबर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। राज्य शासन के द्वारा इसके पहले जो गाइडलाइन की दरें हैं, जिसमें 30% तक का जो छूट दिया जाता रहा है, उसकी अवधि बढ़ाकर आगामी 31 मार्च तक कर दी गई है, 31 मार्च 2024 तक। बेमेतरा जिले में जो बिरनपुर में घटना घटित हुई थी, तो संबंधित परिवार को शासकीय नौकरी देने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसके बारे में निर्णय हुआ है कि वो नियुक्ति उनको आवेदन आने पर प्राप्त कर दिया जाए, प्रदान कर दिया जाए, नौकरी दी जाएगी। हाँ, उनकी घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे जिस समय ये घटना घटित हुई थी। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन हुआ है 2023 में। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि के व्यवस्थापन और रियायती स्थायी पट्टों के भूमि स्वामी अधिकार देने में जो स्टाम्प शुल्क लगता था, तो वो जो स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। वो अलग अलग स्लैब है उसका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दुकानों में शक्कर वितरण किया जाता है, तो वो सहकारी शक्कर कारखाना जो कॉपरेटिव के अंतर्गत है, उससे खरीदी करके और उसको वितरण किया जाए, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार और अनुरेखक, खनिज के सिपाही, इनका चयन होकर जो लिस्ट है उसकी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाना है, क्योंकि एक यदि अवधि ना बढ़े तो फिर जितना भी चयन की जो प्रक्रिया है वो लेप्स हो जाएगा, तो 1 वर्ष बढ़ाने का उसमें निर्णय हुआ है। एक महत्वपूर्ण फैसला वन विभाग का भी है। वन विभाग में 2008 के आसपास जो नियुक्ति हुई थी, तो